हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गांव का शादी कैसा होता है मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा, कैसे रिवाज होते हैं और कैसे इंडियन मुस्लिम शादी गांव की होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं एक्चुअली रेडी हो चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ से, फिर ड्रेस चेंज करके चलेंगे। और एक्चुअली ये जो शादी है ये मेरे अंकल का है, मतलब अंकल लगेंगे, तो चलिए चलते हैं। 20-25 किलोमीटर जाना है, फिर वहाँ से बारात जो है वो दूसरी जगह जाने वाली है, वो 30-40 किलोमीटर, तो अभी लंबा सफ़र है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बहुत इंजॉय आएगा। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे कुछ तैयारी चल रही है, जो कल वलीमे का मतलब रिसेप्शन का तैयारी कुछ ऐसा चल रहा है। और अभी हम लोग निकलेंगे फिर थोड़ी देर में बारात लेके। तो अभी बारात लेके हम लोग जाने वाले हैं, कुछ 40-42 किलोमीटर है। तो अभी बारात लेके हम लोग निकल चुके हैं, अभी रास्ते में हैं, कुछ लंबा सफ़र है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मौसम थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ा मौसम सही था, लेकिन फिर गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। एक्चुअली शादी जो है वो एक मंडप में है, तो कुछ इस तरह का मंडप है आगे का। और मतलब हमें थोड़ा सा चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ी जो थी वो थोड़ा दूर में, मतलब वहाँ से अंदर तक आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली दोस्तों जो निकाह था वो मस्जिद में था, तो इसलिए मैं वो वीडियो कवर नहीं कर पाया। तो अभी निकाह के बाद सीधा दूल्हा अभी मंडप में एंट्री हो रहा है, इस तरह का कुछ। जो दूल्हा है वो आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ एक रस्म होता है, और यहाँ पे आपको पेमेंट दे के अंदर मतलब एंट्री मिलती है। तो फाइनली एक पेमेंट होती है जो आपको मतलब चॉइस होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उसके नीचे कुछ प्राइजिंग होती है, तो प्राइजिंग के हिसाब से आपको उतना पेमेंट देने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो। तो कुछ इस तरह का रस्म रहता है अक्सर शादी में। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे कैसा है अरेंजमेंट। और यहाँ पे थोड़ा एसी में बैठे हुए हैं दूल्हा साहब, और उनके साथ में ही मैं बैठा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो दोस्तों अभी लंच का टाइम है, तो अभी लंच में फोकस करते हैं। कुछ चिकन बिरयानी और बहुत सारे आइटम्स होंगे। तो आपको पता है बिरयानी देखने के बाद मेरा वीडियो करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं खाना खाने के बाद ही आपको दिखाता हूँ फिर। तो फाइनली खाना हो गया ख़त्म, और यहाँ पे इस साइड बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि यहाँ गुपचुप और आइसक्रीम वगैरह का ठेला है। और आगे कुछ अच्छा सा मतलब व्यू है, और पार्किंग वगैरह के लिए यहाँ पे गाड़ी रखने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ब्लॉग था, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।